तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अगर नहीं हो तो मतलब ये वाला एपिसोड देख के पक्का बढ़िया हो जाएंगे। तो बस आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख करके पता लगा लिया होगा कि आज का ये वाला वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। क्या पता नहीं चला? तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का ये वाला वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो गाइस आज का ये वाला वीडियो होगा प्रोफेशनल स्लो मोशन के ऊपर। वैसे गाइस इस टॉपिक पर यूट्यूब पर ही पहले से कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 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 गाइस वहाँ पर मैंने देखा, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम रील्स पर भी मैंने देखा है कि वहाँ पर लोंडे बता रहे हैं कि भाई इस ऐप से स्लो मोशन करो, इस ऐप से स्लो मोशन करो, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपका स्लो मोशन होगा, ऐसा बता रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। कोई ऐप डिपेंड नहीं करता है कि आपका वीडियो का स्लो मोशन कैसा होगा। डिपेंड करता है गाइस आपने वीडियो को कितना FPS में शूट किया। ठीक है, FPS और वीडियो क्वालिटी मैटर करता है कि आपका वीडियो कितना अच्छा तरीके से स्लो मोशन होगा। तो गाइस आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको स्लो मोशन करने के लिए क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ेगा, कैसे शूट करना पड़ेगा, इस टॉपिक पर आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि इस वीडियो का स्टार्टिंग में किसके किसके फ़ोन में ऐड प्ले हुआ। ठीक है गाइस, और गाइस आप लोग का दिल से शुक्रिया, गाइस दिल से शुक्रिया कि मेरा चैनल को मोनेटाइज करने के लिए गाइस ये सब कुछ आप लोग के प्यार और सपोर्ट के वजह से हुआ। गाइस बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। ठीक है, एक बार फिर से गाइस दिल से शुक्रिया। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल का स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, तो गाइस चलते हैं सीधे अपने पहले कैमरे पर। ठीक है गाइस, कैमरा पर चले और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो इधर मेरा स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, तो वैसे चलते हैं आप वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको सेटिंग्स करना पड़ेगा, इसका हाई क्वालिटी हम लोग देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे कि मेरा इधर 3 लाइन दिखा देगा गाइस, आपको सेटिंग का ऑप्शन होगा या 3 डॉट का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सबसे ऊपर दिखा रहा है गाइस 720p 30fps, 1080p 30fps और 1080p 60fps। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि 30fps जिसमें है उसमें आपको नहीं रखना है, 60fps में रखना है। ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस चलते हैं इधर सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और इधर गाइस आपको वीडियो क्वालिटी होगा जो एकदम हाई परफॉर्मेंस में रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मेरा हाई परफॉर्मेंस में है। ठीक है, आपको ये वाला सेटिंग कर लेना है गाइस अगर आपके फ़ोन में 30fps है और 60fps नहीं है तो गाइस आपका फ़ोन में अच्छे तरीके से स्लो मोशन नहीं होगा। ठीक है, अटक अटक करके होगा, इतना अच्छा तरीके से स्लो मोशन नहीं होगा जितना 60fps में होता है। ठीक है गाइस, अब गाइस दूसरे सेटिंग की बात करते हैं कि आपको अगला सेटिंग क्या करना है। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है कि देखना है कि आपका जो कैमरा में कहीं पर भी स्लो मोशन का ऑप्शन ज़रूर होगा। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन है। ठीक है, इधर करिए, तो गाइस यहाँ से जो है स्लो मोशन मेरा डायरेक्ट स्लो मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पर हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा 120fps दिखा रहा था। ठीक है, उधर गाइस डायरेक्ट वीडियो सेटिंग में क्या दिखा रहा था, 60fps और इसमें उससे डबल, क्यों ना। इसलिए गाइस स्लो मोशन से शूट करोगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। ठीक है, अभी गाइस हम आपको अभी कंपेरिजन भी करके दिखाएंगे 30fps, 60fps और 120fps में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो गाइस अगर आप यहाँ से डायरेक्ट स्लो मोशन करते हो तो गाइस कई बार क्या होता है कि किसी के फ़ोन में क्या होता है कि यहाँ से स्लो मोशन करने पर डायरेक्ट जो आपका वीडियो स्लो मोशन में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और मेरा फ़ोन में ऐसा क्या है कि गाइस आपको स्लो मोशन पहले सेट करना पड़ेगा, वीडियो शूट करने के बाद स्लो मोशन सेट करना पड़ेगा, तब जाके वो स्लो मोशन होता है। ठीक है, नहीं तो गाइस आप किसी ऐप से भी स्लो मोशन कर सकते हो। ठीक है, हम आपको अभी भी बाद में बताएंगे गाइस आपको कैसे क्या क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो स्लो मोशन में एक वीडियो शूट कर रखा है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि आपको उसको जो कैसे सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, गैलरी में चलते हैं और ये वाला वीडियो गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा गाइस इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, किसी के फ़ोन में हो सकता है, किसी के फ़ोन में जो है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ से गाइस आप स्लो मोशन सेट कर सकते हो, अब जहाँ से जितना चाहते हो उतना स्लो मोशन रख सकते हो। ठीक है, और किसी के फ़ोन में क्या होता है कि गाइस पूरा का पूरा डायरेक्ट जो वीडियो स्लो मोशन में आ जाता है। ठीक है, और उसको जो है आप किसी ऐप से स्लो मोशन और फास्ट मोशन दे सकते हो। उसके लिए गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। दोस्तों ये दो सेटिंग्स आपको कर लेना है, 60fps और 120fps, ये दोनों सेटिंग आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद गाइस चलिए आप पावर डायरेक्टर हम ऐप में इसको स्लो मोशन करेंगे। मैंने 3 वीडियो शूट किया। ठीक है, 30fps, 60fps और 120fps, तीनों वीडियो को स्लो करते हैं, उसके बाद गाइस आपको दिखाते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है। तो गाइस चलिए सीधे पावर डायरेक्टर ऐप पर।
आ चुके सीधे पावर डायरेक्टर ऐप पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर गैस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और गैस नोट 16 का रिसर्व को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब गैस यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले गैस इधर 30 FPS वाला वीडियो को इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। तीन वीडियो को मैंने शूट किया है और गैस ये 30 FPS वाला वीडियो है, ठीक है। तो गैस इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम पहले कट कर देते हैं फटाफट। तो गैस इसका मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया, ठीक है। और गैस मुझे स्लो मोशन देना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको 20 से पहले हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और इस वाले वीडियो को हम इधर से स्लो कर देते हैं, ठीक है। सारे के सारे वीडियोस को गैस यानी कि तीनों वीडियो को मैं इतना ही स्लो मोशन दूंगा, उसके बाद गैस आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। और बीच में एक जगह क्या करते हैं गैस, इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि देखने में कूल सा लगे। ये बीच वाले को जो है गैस इसको फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बस अब करते हैं इसको एक्सपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसी तरीके से सेम टू सेम तीनों वीडियो को स्लो मोशन और थोड़ा सा फास्ट मोशन बीच में कर दिया है, ठीक है। तो बस मैं आपको तीनों वीडियो एक साथ प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे किसी ऐसे अगले यूट्यूबर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।